गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसका फर्स्ट जो लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। आपने सिर्फ हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो लोअर क्लासेस में पढ़ी है, जिसमें हम कहते हैं कि इट इज द टोटल वेलबींग इन फिजिकल मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ एडिशन होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा इट इज द टोटल वेलबींग इन फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये काफी हद तक मिलती जुलती डेफिनेशन है हेल्थ के साथ। तो शुरुआत हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इट्स प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमें, जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, और इसके बाद क्या स्ट्रेटजीज हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर वन प्रॉब्लम जो हमें आती है वो क्या है, दैट इज कॉम्प्लिकेशन। किस बात की कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में, जो कि अल्टीमेटली अबॉर्शंस का रीजन बनती हैं। तो ये फीमेल जो डेथ है उनका भी कारण बन जाती है, मतलब ये जितनी भी मदर्स की डेथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसका रीजन भी होता है, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 15-19 ईयर्स। क्योंकि पुराने टाइम में हम देखते थे कि कम एज में फीमेल्स की शादियां जो है वो मैरिजेस कर दी जाती थी, तो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ वगैरह में होती हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शंस होते हैं और उसकी वजह से फीमेल डेथ्स भी होती हैं। नंबर टू में हम करेंगे हम जो हमारी एक और मेन प्रॉब्लम है दैट इज ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्यों आ जाती है, बड़ा ही सिंपल है कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना ही किसी भी कंट्री पे बर्डन बढ़ता है। जितना बर्डन बढ़ेगा उतने ही रिसोर्सेस कम होते जाएंगे, चाहे वो हेल्थ केयर रिसोर्सेस हों, चाहे वो किसी भी तरह के रिसोर्सेस हों, वो कम होते चले जाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, हम इसको गिनते हैं। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है एसटीडीज। एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये जो डिजीजेस हैं इनका जो खतरा है, जो इनके चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी हमारी एक बहुत काफी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो बेसिकली देखा ये गया है कि एसटीडीज जो होती हैं वो नॉर्मली 15-24 ईयर्स के इंडिविजुअल्स में ज्यादा देखी जाती हैं। उसका रीजन ये भी है क्योंकि ये जो एज ग्रुप है, अगर हम पास्ट की बात करें तो इस एज ग्रुप को ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी रिगार्डिंग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। तो इस एज ग्रुप में बहुत सारी एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस देखी जाती थी, अब भी हैं, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, हाइजीन के बारे में नहीं पता, तो उस वजह से इस एज ग्रुप में स्पेशली काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम्स। स्ट्रेटजीज क्या हैं, हम किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रेटजीज में देखें, अगर हम बात करें तो नंबर वन स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे आ जाती है अवेयरनेस की, मतलब वी हैव टू अवेयर द पीपल। अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को हमें रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उनको हमने अवेयर करना है, और ये काम जो है वो काफी सारी एनजीओस करती हैं, मतलब जितनी भी नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशंस होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उन्हें हम एनजीओस शॉर्ट में बोल देते हैं। तो ये जो एनजीओस हैं वो और कई इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलके कई तरह के आरसीएच प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाते हैं। ये आरसीएच प्रोग्राम्स होते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ भी बोल सकते हो आप इसे। तो ये प्रोग्राम्स काफी सारी एनजीओज या और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलके ऐसे प्रोग्राम्स चलाती हैं, जिसकी वजह से अवेयर हम करते हैं लोगों को, ताकि वो अलग अलग एसटीडीज या उनके रिलेटेड और कई प्रॉब्लम से बच सकें। जो नेक्स्ट हमारा जो एक और
स्ट्रेटजी है, दैट इज सेक्स एजुकेशन। अगर हम बात करें तो सेक्स एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम पास्ट की बात करें तो सेक्स एजुकेशन पहले पहले स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती थी, तो उसका रीजन था कि पहले थोड़ा जो लोगों की मेंटेलिटी थी वो थोड़ी हम पुराने टाइप की कह सकते हैं, लेकिन विद टाइम काफी सारी चेंजेस आई और सेक्स एजुकेशन के काफी सारे चैप्टर्स अब हम नाइन्थ क्लास से या उससे भी पहले शुरू कर देते हैं पढ़ना, और वहां पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से आगे जाके हमें ये जो हमारी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो सेक्स एजुकेशन में हम क्या क्या बताते हैं, एडोलेसेंस के बारे में बताया जाता है कि एडोलेसेंस में आपने क्या क्या चेंजेस बॉडी में आपकी होती हैं और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, और इसके अलावा सेफ हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में समझाया जाता है और एसटीडीज के बारे में समझाया जाता है कि ये कैसे फैलती हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। ये सारा एक जनरल सा ओवरव्यू है चैप्टर का कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे कैसे हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। और अब एक और यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है कि हमें बर्थ कंट्रोल और मदर केयर का भी काफी यहाँ पे पता होना चाहिए कि बर्थ कंट्रोल कैसे करना है बेसिकली। तो यहाँ पे बर्थ कंट्रोल की बात क्यों आती है, बर्थ कंट्रोल इस वजह से क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो कि हमारी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में यहाँ हमारा ध्यान जरूर जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा हायर रेट पे अगर बढ़ती है तो उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह देते हैं। ये बहुत ही इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम देखें तो नियरली 35 ईयर्स में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट डबल हो जाती है। ठीक है जी, अगर हम 1947 की बात करें जब इंडिया आजाद हुआ था तो तब इंडिया की पॉपुलेशन नियर अबाउट 35 करोड़ के आसपास ही थी और 37 करोड़ के आसपास थी, तो नियर अबाउट 50 ईयर्स में ये 100 करोड़ क्रॉस कर जाती है। तो इसका मतलब एक रफली ये निकल आता है कि 35 साल में ये अप्रोक्सीमेटली डबल हो रही है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के अब मेन तरीके हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी जनरल हैं, हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कारण है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके तरीके जो उसे जो सॉल्व करने के लिए मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 35 ईयर्स में पॉपुलेशन डबल हो रही है, क्यों हो रही है उसका भी काफी उसके रीजंस हैं हमारे पास। तो उसका अगर हम रीजन देखें तो नंबर वन जो फर्स्ट रीजन है वो ये है कि हमने जो MMR है मतलब मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट और IMR ये दो टर्म्स हैं ये आ जाती है। मेटरनल का मतलब होता है यहाँ पे मदर, मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है जी, मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये दो टर्म्स जो हैं वो रिलेटेड हैं डेथ रेट के साथ, मतलब मॉर्टेलिटी यहाँ पे डेथ रेट की हम बात करते हैं। तो MMR मतलब मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, कई बार मदर्स की डेथ होती थी तो उसे हमने काफी हद तक डिक्रीज कर दिया है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो चाइल्ड जो न्यू बॉर्न है उसकी जो डेथ रेट है उसे हमने विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स हमने काफी कम कर दिया है। तो ये रीजंस आ जाते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज्यादा क्यों हुआ है, और ये जो दो चीजें हैं MMR और IMR इनको हमने कम किया है तो किस वजह से किया है, इसके आगे फर्दर रीजंस आ जाते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट करें तो फर्स्ट में आ जाता है कंट्रोल ओवर डिजीजेस या कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, हमने बहुत सारी बीमारियों को रोक लिया है जैसे कि हमने वैक्सीन बना ली हैं और कई बीमारियों की हमें अब नॉलेज है जिसकी वजह से अब उतनी मौतें या जितनी पुराने टाइम में मौतें होती थी वो नहीं हो पाती, तो अब क्या है कि पॉपुलेशन फिर बढ़ती चली जाएगी।
इसके अलावा हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट करी है, एडवांसमेंट करी है एग्रीकल्चर की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट करी है, मेथड डेवलप करे हैं जिसकी वजह से अब ज़्यादा फूड मिल पाता है और पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सस्टेन भी रह पाती है। और थर्ड रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम स्टोरेज फैसिलिटी को भी देखते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी क्या है, दूसरा जो रीजन था वो था एग्रीकल्चर। अगर हमने एग्रीकल्चर में काफी सारी एडवांसमेंट करी है तो ऑब्वियसली बहुत सारे सीड्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आने वाले हैं तो उनको स्टोर भी करना है। पुराने टाइम में हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी या टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, अब फिलहाल हमारे पास स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है जिसकी वजह से हम किसी भी फ्रूट को, सीड को, ग्रेन्स को हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उसे यूज़ कर सकें। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा हमने स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, हमने एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है पिछले कुछ डेकेड्स में। तो एजुकेशन जितनी ज़्यादा बढ़ी है उसकी वजह से हमारा पर्सनल हाइजीन, रहने का तरीका, हमारी समझ, सब कुछ बढ़ता है जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन को हम पहले से ज़्यादा बेटर वे में केयर कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एजुकेशन बढ़ने से भी पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी बढ़ी है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि एजुकेशन आने से तो इंसान समझदार होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन से पर्सनल हाइजीन वगैरह की जो है, क्योंकि हाइजीन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इन्फेक्शंस कम होंगे और डेथ रेट भी कम होगा। यहाँ पे तो हम कुछ किसी और एस्पेक्ट से सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके अलावा जो है वो रीज़न है, हमने काफ़ी सारे जो नेचुरल रिस्क हैं उन्हें कम कर दिया है। नेचुरल रिस्क कैसे, जैसे कि पुराने टाइम में किसी बच्चे का बर्थ होता था तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों का ये मानना होता था कि अगर चाइल्ड पहले 40 डेज या पहले 6 मंथ्स अगर बिना किसी प्रॉब्लम रहता है तो इन फ्यूचर वो ठीक ठाक रहेगा, अगर दिक्कत आनी है तो इन टाइम पीरियड में आएगी, अगर वो इस पीरियड को निकाल लेता है तो उसके बाद बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने बहुत सारी वैक्सीन डेवलप करी हैं जिसकी वजह से हम न्यू बॉर्न्स को जो होने वाली डिजीज़ हैं उनका खतरा काफ़ी कम कर दिया है। मतलब ये एक तरह के नेचुरल रिस्क हैं जो हमने विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड मेडिसिनल टेक्नोलॉजी कम कर दिया है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं कि हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कैसे काम करना है। ठीक है जी, तो अगर हम आगे बात करें पॉपुलेशन ट्रेंड की तो पॉपुलेशन ट्रेंड में आ जाता है बेसिकली सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में, किसी भी मेल्स, मतलब मेल्स का नंबर तो होगा ही यहाँ, मतलब थाउजेंड ऑफ मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स होंगी, तो ये इसे हम सेक्स रेशियो बेसिकली कह देते हैं। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 933 गर्ल्स हैं पर 1000 मेल्स। ठीक है जी, मतलब मेल्स का नंबर यहाँ पे ज्यादा है। ये डेटा कुछ पुराना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है, ये ऑब्वियसली अब कम हुआ होगा पहले से कंपैरेटिवली। तो अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, लीस्ट सेक्स रेशियो की, तो इंडिया में जो स्टेट है वो दैट इज हरियाणा, यहाँ पे 1000 मेल्स के पीछे सिर्फ 861 फीमेल्स होती हैं। ये डेटा शायद अब और कम हो गया होगा क्योंकि ये भी जो फिगर्स हैं ये पुरानी हैं। तो ये काफ़ी कम है, 1000 मेल्स के पीछे सिर्फ 861 फीमेल्स हैं। तो अब ओवर पॉपुलेशन जो हमारी हो रही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, ये मैं आपको फिंगर टिप्स पे ही बता सकता हूँ। आप भी मुझे बता दोगे कि क्या क्या होगा अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। नंबर वन, अगर हम देखें तो फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी। नंबर टू, रहने की स्पेस कम हो जाएगी।
नंबर थ्री, अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जॉब की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सिर्फ जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स होंगे, उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ एडमिशन्स होंगे, तो बच्चे ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। इसी तरह से मेडिकल एड्स की भी, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनकी भी जो है वो कमी सामने आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी असेंशियल गुड्स हैं, असेंशियल गुड्स में हम जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं खाने पीने की, वो भी कम, उसकी भी लागत बढ़ जाएगी और उसका जो कंजम्पशन है बढ़ने की वजह से ये चीजें भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम फॉसिल फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और उतनी जल्दी वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी इको ग्रेडेशन होगी, इको डिग्रेडेशन होगी, हमारा जो इकोसिस्टम है वो नष्ट होगा, जो हमारे सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी, हमें डिफॉरेस्टेशन ज्यादा करनी पड़ेगी उतनी ज्यादा पॉपुलेशन को बसाने के लिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ चलती हैं किसी भी कंट्री में। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हमने यहाँ पे करना क्या है, व्हाट टू डू। तो हमने यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग पे हमने ज्यादा जोर दिया है। बेसिकली जो हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके तीन सॉल्यूशंस हैं। नंबर वन, वी हैव टू एजुकेट द पीपल, हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देनी है जिसके जरिए हम ये समझा पाए कि जितनी पॉपुलेशन कम हो उतनी ही बेटर है, और जितनी पॉपुलेशन हो उसको हमने बेटर वे में कैसे उनका टेक केयर करना है। और नंबर टू, हम जो मैरिजेबल एज है हम उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल 18 इयर्स एक फीमेल की एज रखी हुई है और 21 इयर्स एक मेल की जो लीगल एज है मैरिज के लिए वो रखी हुई है। अगर इन फ्यूचर इसको थोड़ा बढ़ाया जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर होगा, लेकिन फिलहाल इस पे ज्यादा काम नहीं है और शायद होगा भी नहीं। थर्ड जो हमारा एस्पेक्ट है वो दैट इज फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग यहाँ पे हम ज्यादा जोर देंगे इस चैप्टर पे, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक का जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। फैमिली प्लानिंग में अब बेसिकली होगा क्या, बर्थ कंट्रोल। हम सदियों से काफी सारे मेथड्स बर्थ कंट्रोल के यूज करते आए हैं इंसान, तो उनमें से कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरल मेथड्स में आ जाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स में आ जाते हैं। बर्थ कंट्रोल में हमारे पास बेसिकली तीन मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है, थ्री मेथड्स। ये उसके प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, मैं हम कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर शुरू। तो बर्थ कंट्रोल में नंबर वन हमारा जो मेथड है वो जो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज टेम्पररी मेथड्स, ठीक है। टेम्पररी मेथड्स मतलब जो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम यूज कर सकते हैं। टेम्पररी मेथड्स में हम क्या करते हैं, ये बेसिकली नेचुरल मेथड्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकने में हेल्प करते हैं। इनमें सबसे पहला जो आ जाता है इसके जो अंदर जो सब टाइप है दैट इज सेफ पीरियड। अब ये सेफ पीरियड क्या है, टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बेसिकली हम इसे कॉन्ट्रासेप्शन के अंडर रख सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन वो मेथड होते हैं जो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं एग की और स्पर्म की, जिसकी वजह से आगे जो कंसेप्शन है प्रेगनेंसी है वो नहीं होती। तो सेफ पीरियड में अब क्या है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है और उसमें हमने पढ़ा था कि 14th डे एक ऐसा दिन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीचों बीच आता है और उसी दिन एग रिलीज होता है और उस एग की जो वायबिलिटी होती है वो 1 डे होती है, मैक्सिमम 2 डेज होती है। हम इसलिए 1 to 2 डेज लिखते हैं, कुछ बुक्स में 1 डे भी लिखा होता है। तो अब एग की जो वायबिलिटी है वो हम अगर 24 आवर्स मान के चलें तो
अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो 14th डे है ये काफी ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रेगनेंसीज के लिए, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली हम देते हैं 11 टू 17 डेज तक, मतलब आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 11 डे से 17th डे तक जो होते हैं, क्योंकि इन दिनों में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। सेफ पीरियड माना किसको जाता है? ये सेफ पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मान लीजिए 1 to 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से एक हफ्ता पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद एक हफ्ता जो है उसे हम सेफ पीरियड में रख के चलते हैं। मतलब साइकिल स्टार्ट होने से एक हफ्ता पहले और साइकिल स्टार्ट होने के बाद एक हफ्ता जो टाइम पीरियड है उसे हम सेफ पीरियड में लेके चल सकते हैं, क्योंकि इन टाइम पीरियड्स में एग रिलीज होने के चांस नहीं होते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और प्रेगनेंसी भी पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन इस मेथड को 100% सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो उनके पीरियड्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से एग की जो रिलीज डे है वो 14 से इधर उधर डेविएट कर सकती है, जिसकी वजह से ये एक 100% सेफ मेथड नहीं है। दूसरा जो इसके अंडर मेथड आ जाता है टेम्पररी मेथड के अंडर ही, वो है कोइटस इंटरप्ट। यहाँ पे कोइटस जो वर्ड है वो है कॉपुलेशन से लिया गया, मींस सेक्सुअल एक्ट। हमने पढ़ा है कि जो ह्यूमन, जो मेल्स सीमन है, इट कंटेन्स स्पर्म्स, ठीक है जी। तो स्पर्म्स ही वो मेन कंपोनेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब कोइटस इंटरप्ट में क्या है कि व्हेन अ मेल एंटर्स इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो जो सीमन डिस्चार्ज है वो एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन होता है, मींस जो सीमन है दैट इज इजैकुलेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। लेकिन इजैकुलेशन के जस्ट कुछ सेकेंड्स पहले ही इफ द मेल विड्रॉज हिज सेक्सुअल ऑर्गन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, तो उसे हम कोइटस इंटरप्ट कह देते हैं। लेकिन ये मेथड भी 100% श्योर नहीं है, क्योंकि बिफोर इजैकुलेशन जो हमने कुछ ग्लैंड्स पढ़ी थी आपको याद होगा, तो उसमें एक हमने ग्लैंड पढ़ी थी कॉपर्स ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेशन का काम करती थी, और इसके अलावा ये जो यूरिन की एसिडिटी है उसको भी न्यूट्रलाइज करती थी। तो कॉपर्स ग्लैंड की सिचुएशन में भी स्पर्म्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस मेथड को हम 100% एक्यूरेट नहीं मानते। थर्ड मेथड जो है वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में होता क्या है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, किसी भी बच्चे के जन्म लेने के बाद मदर में 4 to 6 मंथ्स तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो अपीयर नहीं होते। दैट मींस कि इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर नॉट कमिंग, दैट मींस द एग इज आल्सो नॉट रिलीजिंग इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये वो टाइम पीरियड है जहां पे हम कह सकते हैं कि ये सेफ पीरियड्स में या टेम्पररी मेथड्स हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जाता था इन पास्ट। तो यहां तक बच्चों आज हम एक जनरल सा हमने ओवरव्यू लिया है, तो नेक्स्ट आगे जैसे हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट होगा तो उसमें हम आगे डिटेल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो बच्चों कीप स्टडिंग, डू योर बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।